मुझसे तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरा दिल है, ओ तेरे सीने में शादी है। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये हैप्पी मोमेंट मेरी लाइफ में आया है। और मैंने बहुत वेट किया है, एक्चुअली मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मुझे फर्स्ट ना मेरा एक्ट देख के एकदम से फीलिंग्स आई कि मतलब मुझे इसी से शादी करनी है। ज्यादा है मुझसे, मैं बहुत सुंदर है और मैं उनसे फर्स्ट डे से ही ना बहुत सारा प्यार करती हूँ। हम फर्स्ट डे मिले थे ना, हमने बहुत सारी बातें की थी, इतनी सारी। हमें एक घंटे के लिए बिठाया था, उसमें भी हमें लगा था हमारे पेट में कितनी सारी बातें बची हुई हैं। फिर नेक्स्ट टाइम विनायक मुझसे मिलने आए, मैं जॉब करती थी क्लिनिक में अपने, स्पेशली ना मेरे लिए फिश बना के लाए थे, ठीक है। और उस दिन थर्सडे था, मेरा फास्ट था, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मैं आपके लिए फिश ला रहा हूँ। हाँ, ये कहा था कि मैं आपके लिए लंच लेकर आऊँगा। ठीक है, भूखी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और जब सामने खाना खाना तो फिर फिश थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि घर पे मत कहना कि आपने नहीं खाया, और ना मेरे में हॉस्टल ले गई उसे सृष्टि ने जो मेरी रूममेट थी और एक दो लोगों ने और खाया। मैंने फ्राइडे की सुबह उसे खाया, लेकिन वो बहुत टेस्टी था, उन्होंने अपने हाथों से बनाया था ना। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मोमेंट बहुत 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 स्पेशल था, फर्स्ट टाइम। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। फर्स्ट टाइम जब मैंने करिश्मा को देखा, उससे बातचीत करी, तो मुझे बहुत सपोर्टिव, मेरे लिए बहुत सपोर्टिव और मेरी फैमिली के लिए भी मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग लगी। तो बस यही मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन थी, जिसे उसे मुझे लगता है कि उसे वो बखूबी निभाती है, और बाकी वो मेरी नज़रों में तो बहुत समझदार लड़की है। हमारी अरेंज मैरिज है, पर मुझे एक बीच में जो एक साल का समय था, इसका मुझे कहीं से पता नहीं चला, पता नहीं कब ये समय निकल गया, और अब देखिए हमारे शादी का टाइम आ गया। अरेंज मैरिज है, जब फर्स्ट टाइम जब हमने एक दूसरे को देखा, उससे पहले हमने कभी जब भी मिले थे सीधे सामने मिले, बिल्कुल हमने कोई फोटोज़ एक्सचेंज नहीं की थी, कुछ भी नहीं। मतलब हमें एक दूसरे को देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी। मैंने सोचा था कोई मोटू सा पेटू सा लड़का आएगा, लेकिन विनायक को देख के मतलब वो इतने स्लिम ट्रिम फिट, जैसे मैंने सपनों में सोचा था ना, बिल्कुल वैसे ही लड़का मुझे मिला है। और देखो आज हमारी मेहंदी है, मेरी मेहंदी कितनी सुंदर रची है, मुझे पता है ये बहुत 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 अच्छी रचेगी, क्योंकि मुझसे बहुत
सारा प्यार करते हैं। हम लोगों को अभी 1 साल 2 महीने और कुछ दिन हो गए साथ में रहते हुए। इस 1 साल में मैं उनको कॉलेज में बहुत मिस करती हूँ, और कैसे भी कॉलेज में हम किसी से बात नहीं कर सकते फोन में, लेकिन मैं उनका फोन हमेशा उठा लेती हूँ, कभी उनको कॉल बैक का मौका नहीं है, हमेशा मतलब जब भी उनका फोन आता है तभी। और कॉलेज में तब हर सैटरडे संडे मैंने उनकी शॉपिंग में उनके साथ बहुत सारी हेल्प की है, और उनके सिस्टर्स के भी, वो बहुत स्वीट्स हैं, वो दोनों मुझे बहुत पसंद हैं। नेहा तो जब मैं फर्स्ट दिन ही मिली थी मुझे उससे बहुत अच्छा लगा, नेहा ने मुझे पहले दिन ही कहा था कि आप ना, तो उसके मुझे फर्स्ट डे ही मुझे भाभी लगा था, उस समय तो हाँ भी हमने एक दूसरे को नहीं कहा था, लेकिन उसने मुझे फर्स्ट डे ही भाभी बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझे इतनी प्यारी, मेरा एक छोटा भाई है और अब मुझे दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बहनें भी मिली। जान से प्यारी बेटी, जान से बढ़ कर समझ गई, इसको पाला परोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत सुंदर इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। मुझे आशा है कि और फ्यूचर इसका ब्राइट हो, अच्छा नाम रोशन करे, मेरे परिवार का, मेरे कुल का नाम रोशन करेगी। ये मेरे बताए हुए रास्ते पर जिसने अक्षर सा पालन करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना थी, और ये अपने पैरों पर इस शर्त के अनुसार खरी उतरी, भविष्य में भी ये उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर बढ़े, इसकी दिन दुगनी रात चौगुनी, और ससुराल में जाकर मेरे परिवार के साथ साथ ससुराल के परिवार का भी नाम अवश्य रोशन करेगी। मैं पापा को बहुत 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 प्यार करती हूँ। आज हमारे भाई की शादी है और हम बहुत खुश हैं, और मैं उनकी छोटी बहन हूँ मेघराना, और ये मेरी बड़ी बहन है नेहा। हमने सब चीज़ों की तैयारियाँ काफ़ी पहले से की है, और बारिश ऐसी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कम बोलती है, लेकिन वैसी है नहीं, ठीक ठाक बोलती है और काफ़ी समझदार है, जैसे अच्छी भी लड़की हैं, वैसी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी है, सारी बातें भी समझती हैं, और वो मतलब एकदम परफेक्ट है हमारे भाई के लिए। और भाभी लोगों की फैमिली भी बहुत अच्छी है, मतलब उनके सारे फ्रेंड, मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सिंपल से रहते हैं। तारा रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात छोगा तारा ओए चमकीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे छोगा तारा ओए चमकीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे। ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे
रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। हेलो, माय नेम इज सृष्टि। फाइनली दी की शादी हो रही है, वी आर वेरी एक्साइटेड। हाँ, शादी को लेके काफी प्लानिंग्स हैं। मैं नहीं चाहती करिश्मा बिल्कुल भी रोए, वो काफी रो चुकी है। और करिश्मा के हस्बैंड, करिश्मा की फैमिली बहुत लकी है कि उनके पास करिश्मा जैसी बहू आ रही है, बेबी आ रही है। करिश्मा हर और जी जी भी बेस्ट है और वो आगे भी बेस्ट रहेगी और हम हमेशा दोस्त हैं, हमेशा दोस्त रहेंगे। नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। मिस यू करिश्मा दी, हैप्पी मैरिड लाइफ, लव यू। मिस यू करिश्मा, लव यू। मिस यू दीदी, लव यू सो मच। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे
अच्छे दिनों में से एक दिन है और हमें रिश्तेदार भी ऐसे मिले जैसे हम चाह रहे थे, बिल्कुल अपने अनुकूल रिश्तेदार मिले हैं और बहू भी हमें बहुत अच्छी मिली है जैसे हम चाह रहे थे। हमारे ज़िंदगी का सपना पूरा हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे हम चाह रहे अपने हमारे परिवार में बिल्कुल एडजस्ट होने के लायक है। वैसे मुझे मेरी आत्मा कहती है कि बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग मिली है, हमारे परिवार में बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी, बिल्कुल हमें ऐसे उसमें वो अक्स दिखाई देता है। बचपन में अच्छा रहा, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, पतंगबाज बहुत तगड़ा था, मशीन की वो रील निकाल के पत्थर के नीचे बांध के तब पतंग उड़ाता था। अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, शादी की शुभकामनाएं देते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा कटे और बहुत खुशियों के साथ आगे की जिंदगी जिए, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं तेरे बिन यारा और कितने तकदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा। फाइनली हमारी शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना प्यारा हस्बैंड मिला है जो मुझसे बहुत सारा प्यार करता है और लड़ाई करता है बट कम ज़्यादा मैं करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ और थैंक्स टू मम्मी पापा और मुझे इतने प्यारे सासू मम्मा पापा और मेरी दो स्वीट सी सिस्टर्स जो सिस्टर इन लॉ से ज़्यादा मेरे लिए हमेशा सिस्टर्स रहेंगी। ये ऐसा दिन है जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है, वैसे ही मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये इतनी सुंदर बीवी जो मिल रही है। बहुत अच्छा लगा शादी में सभी दोस्तों से मिलके, सभी नाते रिश्तेदारों से मिलके। अब मुझसे आपका तो इंतज़ार था, मुझे आने में थोड़ा देर कर दी बस। हाँ एक साल दो महीने एक साल, पर वैसे पता नहीं चला एक साल का क्यों, कहाँ से तो चलेगा, सारा दिन लड़ते हो मुझसे। सही बात है, ये ना मुझसे बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर मतलब बहुत दूर 12 घंटे के रास्ते में, पर कुछ मिस नहीं करते, दूर रहते भी पास रहते हैं। हाँ ये तो है, मैं चाहूँगी कि हमेशा 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 मुझे विनायक जैसा हस्बैंड मिले। हाँ मुझे भी। नई लाइफ शुरू होने जा रही है तो पता नहीं कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट हाँ कहीं कहीं लगता है कि जब लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन हैंडल की हैं, अप्रॉक्स 2008 से मैं घर से बाहर हूँ, आज 2019 हो रहा है तो तब से संभाला है तो होप सो आगे भी संभालूंगी। अब तो घर ही जो मिल तो साथ मिलके संभालेंगे, पहले तो घर से बाहर रह रही थी ना, अब तो घर के अंदर जा रही हूँ। भाभी वर्ल्ड अपने आप में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला होता है, पर कोशिश करूँगी उस वर्ड को एक मीनिंग देने की। पापा और रिंकू मैं आप सबको बहुत मिस करूँगी, रिंकू को खासकर बहुत ज़्यादा क्योंकि हम दोनों ने बचपन में मिलकर बहुत शैतानियाँ की हैं और हमेशा ना मार वही खाता था क्योंकि वही गलत काम करता था। रिंकू सुन रहा है ना, तो कुछ करते ही नहीं थे। हाँ मैं कुछ नहीं करती थी, मैं पापा की लाडली थी ना। अच्छा तभी तो कुछ नहीं करते थे। रिंकू तू ही हमेशा गलत काम करता था, तूने एक बार मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ा था ना तभी नील हो रही थी, पापा ने इसको इतना मारा ना, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पापा इसे आगे मेरे जाने के बाद भी ना आप इसे बहुत मारना। और मम्मी पापा मैं आपको बहुत मिस करूँगी, आई लव यू।